हेलो एवरीवन, वेलकम टू YT स्टडी। आज की इस वीडियो में हम उन सभी इंपॉर्टेंट डेज को कवर करने वाले हैं जिनकी थीम आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इस वीडियो में हम जनवरी से लेकर जुलाई तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेज और थीम हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। आपको सभी डेज और थीम को नहीं याद रखना है, यहाँ पर मैंने 25 से 30 कुछ सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट डेज और थीम को लिया है, उन्हीं को आपको अच्छे से याद रखना है। तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिए। इस वीडियो के लास्ट में हम कुछ MCQs को भी डिस्कस करेंगे, इसके बाद आपका यह टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसे हम जनवरी से शुरू करेंगे और इसी क्रम में हम सभी माह के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज और थीम हैं उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला है 12 जनवरी। तो 12 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल यूथ डे, यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस। आप सभी को पता होगा इसे स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि इसी दिन 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। इन्होंने युवाओं को काफी ज्यादा इंस्पायर किया है, इसी वजह से इन्हें यूथ आइकन के रूप में भी जाना जाता है। तो इस बार यानी कि 2019 में राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या है, चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग, यानी कि युवाओं की जो शक्ति है उसे राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करना। 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, यानी कि नेशनल वोटर्स डे। इस बार किसकी थीम क्या थी, नो वोटर्स टू बी लेफ्ट बिहाइंड, यानी कि कोई भी मतदाता पीछे ना छूटे। तो आप इसे याद रखिएगा, अभी आपके एक एग्जाम में इसे पूछा भी गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बार की इसकी थीम क्या है, वेटलैंड्स एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि आर्द्र भूमि और जलवायु परिवर्तन। यहाँ पर वेटलैंड्स यानी कि आर्द्र भूमि का मतलब है नमी व दलदली भूमि का ऐसा क्षेत्र जहाँ पर वाटर कंजर्वेशन, पेयजल शुद्धिकरण और बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो ऐसे क्षेत्र को हम आर्द्र भूमि कहते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी को बचाने के लिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और इस बार की इसकी थीम क्या रखी गई है, वेटलैंड्स एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि आर्द्र भूमि और जलवायु परिवर्तन। अगला है 4 फरवरी। तो 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस, यानी कि वर्ल्ड कैंसर डे, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बार की इसकी थीम क्या है, आई एम एंड आई विल, यानी कि मैं हूँ और मैं रहूँगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स, अभी तक हमने 4 इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम को डिस्कस किया, आइए एक बार उनका हम रिविजन करते हैं। सबसे पहला राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे, इसकी थीम क्या थी, चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। अगला है राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे, इसकी थीम क्या थी, नो वोटर्स टू बी लेफ्ट बिहाइंड। अगला है विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, इसकी थीम क्या थी, वेटलैंड्स एंड क्लाइमेट चेंज। और यहाँ पर लास्ट में चौथा था विश्व कैंसर दिवस यानी कि वर्ल्ड कैंसर डे, इसकी थीम क्या थी, आई एम एंड आई विल। तो इनको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 13 फरवरी। 13 फरवरी को मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस यानी कि वर्ल्ड रेडियो डे। तो इस बार की इसकी थीम क्या है, डायलॉग टॉलरेंस एंड पीस, यानी कि संवाद, सहिष्णुता और शांति। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर 28 फरवरी। तो हर साल भारत में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन यानी कि 28 फरवरी सन 1928 में सर सीवी रमन ने अपनी उत्कृष्ट खोज रमन इफेक्ट की पुष्टि की थी। तो इसी दिन भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। तो इस बार नेशनल साइंस डे की थीम क्या है, साइंस फॉर द पीपल एंड द पीपल फॉर साइंस, यानी कि लोगों के लिए विज्ञान और विज्ञान के लिए लोग। तो इसे आप याद रखिएगा। यहाँ पर आपको बता दूं 1930 में सर सीवी रमन को उनके इस उत्कृष्ट खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जितने भी इंपॉर्टेंट थीम को डिस्कस कर रहे हैं आप उन्हें उनके इंपॉर्टेंट डे से रिलेट करते चलिएगा, आपको ये सभी बड़ी ही आसानी से याद हो जाएंगे। और वीडियो के लास्ट में हम कुछ MCQs को लगाने वाले हैं, वहाँ पर आप इन्हें अच्छे से रिविजन कर पाएंगे। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला है 3 मार्च। तो 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार यह दिवस ही आपसे पूछा जाता है। इस बार की इसकी थीम क्या है, लाइफ बिलो वाटर फॉर पीपल एंड द प्लैनेट, यानी कि जल के नीचे जीवन लोगों के लिए और इस ग्रह के लिए। तो इस दिन को पृथ्वी पर उपस्थित विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं और वनस्पतियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। याद रखिएगा, इस बार विश्व वन्य जीव दिवस की थीम क्या है, लाइफ बिलो वाटर फॉर पीपल एंड द प्लैनेट। नेक्स्ट है यहाँ पर 8 मार्च। तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे। इस दिन महिलाओं के प्रति समाज में समानता पर जोर दिया जाता है और विश्वभर में उन महिलाओं के बारे में जिन्होंने किसी भी क्षेत्र में कोई भी उपलब्धि हासिल की है उस पर भी फोकस किया जाता है। तो इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थी, थिंक इक्वल वर्ल्ड स्मार्ट इनोवेट फॉर चेंज। आपको बता दूँ इसी अवसर पर हैशटैग करके एक कैंपेन चलाया गया था, वैलेंस फॉर वेटर। तो फ्रेंड्स, फिर से हमने 4 इंपॉर्टेंट डेज और थीम को पढ़ लिया है, आइए एक बार इनका हम रिवीजन करते हैं। सबसे पहला विश्व रेडियो दिवस यानी कि वर्ल्ड रेडियो डे, इसका थीम क्या था, डायलॉग टॉलरेंस एंड पीस।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे, इसका थीम क्या था, साइंस फॉर द पीपल एंड द पीपल फॉर साइंस। उसके बाद अगला है विश्व वन्यजीव दिवस यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, इसका थीम क्या था, लाइफ बिलो वाटर फॉर पीपल एंड द प्लैनेट। और लास्ट में है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे, इसका थीम क्या था, थिंक इक्वल बिल्ड स्मार्ट इनोवेट फॉर चेंज। तो इनको आप याद रखिएगा और इसी तरह से हम इन सभी का रिवीजन करते चलेंगे ताकि आपको अच्छे से याद रहे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे ज़रूर लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो YT स्टडी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को दबाएँ ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आगे बढ़ते हैं, अगला है 18 मार्च। तो 18 मार्च को मनाया जाता है वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस या फिर इसे कह सकते हैं ग्लोबल रिसाइकिलिंग डे। तो इस बार की थीम क्या है, रिसाइकिलिंग इनटू द फ्यूचर, रिसाइकिलिंग इनटू द फ्यूचर यानी कि भविष्य में पुनर्चक्रण। रिसाइकिलिंग का मतलब है हम किसी चीज़ का कैसे रीयूज कर सकते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी रिसाइकिलिंग को एक संसाधन के रूप में देख सके और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की बचत हो। तो याद रखिएगा इस बार ग्लोबल रिसाइकिलिंग डे की थीम क्या है, रिसाइकिलिंग इनटू द फ्यूचर। अगला है विश्व गौरैया दिवस यानी कि वर्ल्ड स्पैरो डे, जो कि हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। तो इस बार की थीम क्या थी, आई लव स्पैरोस। आपको बता दूं यह दिन गौरैया को बचाने के लिए मनाया जाता है क्योंकि इनकी संख्या लगातार अब घट रही है। तो याद रखिएगा इस बार की थीम क्या रखी गई थी, आई लव स्पैरोस। अगला है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, इसे हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। तो इस बार इसकी थीम क्या थी, फॉरेस्ट एंड एजुकेशन यानी कि वन और शिक्षा। इस दिवस को हर साल मनाया जाता है और इसका पर्पज़ है कि वनों की कटाई पर रोक लगाई जाए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाए जाएं ताकि आने वाली जनरेशन के लिए ये धरती इसी प्रकार से हरी भरी बनी रहे। तो इस बार अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम है फॉरेस्ट एंड एजुकेशन। अगला है 22 मार्च। तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस यानी कि वर्ल्ड वाटर डे। इस बार की थीम क्या है, लीविंग नो वन बिहाइंड। इसका आशय है हर किसी को साफ और स्वच्छ पेयजल का अधिकार है, उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता। जैसा कि आपको पता होगा वर्ष 2024 तक हमारी सरकार ने भी सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। तो इसको याद रखिएगा हर साल विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और इस बार की थीम क्या है, लीविंग नो वन बिहाइंड। तो फ्रेंड्स, हमने 4 इंपॉर्टेंट डेज और थीम को कवर कर लिया है, तो आइए इनका हम रिविजन करते हैं। सबसे पहला है वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस यानी कि ग्लोबल रिसाइकिलिंग डे, इसकी थीम क्या थी, रिसाइकिलिंग इन टू द फ्यूचर। अगला है विश्व गौरैया दिवस यानी कि वर्ल्ड स्पैरो डे, इसकी थीम क्या थी, आई लव स्पैरोस। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, इसकी थीम क्या थी, फॉरेस्ट एंड एजुकेशन। और लास्ट में है विश्व जल दिवस यानी कि वर्ल्ड वाटर डे, इसकी थीम क्या थी, लीविंग नो वन बिहाइंड। तो इस तरह से हमने इनका रिविजन किया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 24 मार्च। तो 24 मार्च को हर साल मनाया जाता है विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। ये फेफड़ों से जुड़ी एक बीमारी है जो कि बैक्टीरिया के संक्रमण से हो जाती है और ये एक से दूसरे व्यक्ति में हवा के माध्यम से आसानी से फैल भी सकती है। तो टीवी के इलाज और इससे बचाव के लिए हर साल WHO विश्व क्षय रोग दिवस मनाता है। तो इस बार की थीम क्या है, इट्स टाइम यानी कि यही समय है जब टीवी को जड़ से खत्म किया जाए। आपको बता दो 2025 तक भारत को टीवी मुक्त करने का लक्ष्य भी रखा गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला है विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे, जो कि हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस बार की इसकी थीम क्या है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर यानी कि हर किसी को हर जगह पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। तो इसको याद रखिएगा हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। चलिए अब अगला है विश्व हीमोफीलिया दिवस यानी कि वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, जो कि हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार की इसकी थीम क्या है, रीचिंग आउट द फर्स्ट स्टेप टू केयर यानी कि देखभाल के लिए पहला कदम। आपको बता दूं हीमोफीलिया एक जेनेटिक बीमारी है। अगर किसी को हीमोफीलिया है तो अगर उसे कोई छोटी मोटी चोट भी लग जाए तो आसानी से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। तो याद रखिएगा विश्व हीमोफीलिया दिवस हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ पर अगला है विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे, जिसे हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार की इसकी थीम है रूरल लैंडस्केप्स यानी कि ग्रामीण परिदृश्य। आपको बता दूं विश्व विरासत दिवस मनाने का मेन उद्देश्य है दुनिया भर के जो ऐतिहासिक स्थल हैं उनको बचाए रखने के लिए लोगों को अवेयर करना। तो भारत के कुल ऐसे 38 स्थल हैं जो कि यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। आपको पता होगा अभी हाल ही में राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, उसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था और यह भारत का 38वां ऐसे स्थल था जो कि इस सूची में शामिल हुआ। तो आपको याद रखना है हर साल विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है और इस बार की थीम है रूरल लैंडस्केप्स।
तो चलिए फ्रेंड्स, हम इनका एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, इस बार की इसकी थीम क्या है? इट्स टाइम। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे, इसकी थीम क्या है? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, एवरीवन एवरीवेयर। अगला है विश्व हीमोफीलिया दिवस यानी कि वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, इसकी थीम क्या है? रीचिंग आउट द फर्स्ट स्टेप टू केयर। और लास्ट में है विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे, इसकी थीम है रूरल लैंडस्केप्स। तो आप इन सभी को अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है 22 अप्रैल। तो 22 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे। इस बार की इसकी थीम क्या थी? प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज, अर्थात हमारी प्रजातियों को बचाओ। तो आप इसको याद रखिएगा, विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या है? प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज। अगला है 25 अप्रैल। तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस यानी कि वर्ल्ड मलेरिया डे। इस बार की इसकी थीम क्या है? जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी, यानी कि मेरे साथ जीरो मलेरिया की शुरुआत। इसका मतलब है हर एक व्यक्ति अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखे, मलेरिया को लेकर जागरूक रहे और मलेरिया को जड़ से खत्म करने के लिए हर एक व्यक्ति का योगदान होना चाहिए। तो याद रखिएगा, इस बार विश्व मलेरिया दिवस की थीम क्या है? जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है 3 मई। 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। इस बार की इसकी थीम क्या है? मीडिया फॉर डेमोक्रेसी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है 7 मई। तो 7 मई को इस बार मनाया गया विश्व अस्थमा दिवस यानी कि वर्ल्ड अस्थमा डे। इस बार की इसकी थीम क्या है? स्टॉप फॉर अस्थमा। यहाँ स्टॉप में एस का मतलब है सिम्टम्स इवोल्यूशन, टी का मतलब है टेस्ट रिस्पॉन्स, ओ का मतलब है ऑब्जर्व एंड एसेस और पी का मतलब है प्रोसीड टू एडजस्ट। तो इस बार की थीम है स्टॉप फॉर अस्थमा, इसको याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले विश्व पृथ्वी दिवस यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे, इसकी थीम क्या है? प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज। अगला है विश्व मलेरिया दिवस यानी कि वर्ल्ड मलेरिया डे, इसकी थीम क्या है? जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, इसकी थीम क्या है? मीडिया फॉर डेमोक्रेसी। और लास्ट में चौथा है विश्व अस्थमा दिवस यानी कि वर्ल्ड अस्थमा डे, इस बार की थीम है स्टॉप फॉर अस्थमा। तो हमने इनका अच्छे से रिवीजन किया है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है 8 मई। तो 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस यानी कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। आपको बता दूं, रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। तो इसी संगठन द्वारा हर साल 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। आपको बता दूं, इस दिन जो दुनिया भर के वॉलंटियर्स होते हैं यानी कि स्वयंसेवक, उनके असाधारण योगदान और उनकी उपलब्धियों को पहचान देने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। तो इस बार वर्ल्ड रेड क्रॉस डे की थीम है #love। अगला है 22 मई। तो 22 मई को हर साल मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस यानी कि वर्ल्ड डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इस बार की थीम क्या है? आवर बायोडाइवर्सिटी, आवर फूड, आवर हेल्थ। इस थीम का उद्देश्य है हमारी जैव विविधता, हमारा खान पान और हमारे स्वास्थ्य के बीच में एक संतुलन होना चाहिए, जिससे हम जो भी खाएं वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा हो और हमारी जैव विविधता को कोई नुकसान ना हो। तो आपको याद रखना है 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी कि वर्ल्ड नो टोबैको डे। इस बार की इसकी थीम क्या है? टोबैको एंड लंग्स हेल्थ। इस दिन का मेन उद्देश्य है तंबाकू से स्वास्थ्य पर होने वाले जो भी नुकसान है उससे लोगों को अवेयर किया जा सके और लोगों को इसके दुष्प्रभाव से बचाया जा सके। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है 1 जून। 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे। इस बार की इसकी थीम क्या है? ड्रिंक मिल्क टुडे एंड एवरी डे। तो इसको आप याद रखिएगा। तो अब हम इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले विश्व रेड क्रॉस दिवस यानी कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, इसकी थीम क्या थी? #love। नेक्स्ट है विश्व जैव विविधता दिवस यानी कि वर्ल्ड डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसकी थीम क्या थी? आवर बायोडाइवर्सिटी, आवर फूड, आवर हेल्थ। नेक्स्ट है विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी कि वर्ल्ड नो टोबैको डे, इसकी थीम क्या थी? टोबैको एंड लंग्स हेल्थ। और यहाँ पर लास्ट में है विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे, इस बार की इसकी थीम है ड्रिंक मिल्क टुडे एंड एवरी डे। तो इस तरह से हमने इनका रिविजन किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है 5 जून। तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इस बार की इसकी थीम क्या है? वीट एयर पोल्यूशन। इसका मतलब है वायु प्रदूषण को खत्म करें। तो इसको आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, जो कि इस बार 7 जून को पहली बार मनाया गया है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो इस बार की इसकी थीम क्या है? फूड सेफ्टी, एवरीवन्स बिजनेस।
इसका मतलब है हर किसी को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना ताकि खाद्य जनित बीमारियां कम हों और इससे होने वाली मौतों में कमी आए। तो इसको आप याद रखिएगा कि वर्ष 2019 में पहली बार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है 7 जून को और इस बार की थीम है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि इंटरनेशनल योगा डे। इसे हर साल 21 जून को मनाया जाता है। इस बार की इसकी थीम क्या थी? योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन। योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन यानी कि जलवायु परिवर्तन के लिए योग। फ्रेंड्स आपको बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है तो आपको बताना है योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन, जो कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा डिसाइड की गई है। और अगर आपसे पूछा जाए भारत में इसकी थीम क्या है तो आपको बताना है योगा फॉर हर्ट यानी हृदय के लिए योग। तो इसको आप याद रखिएगा, हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 2015 में पहली बार मनाया गया था, इस बार यानी कि 2019 में पांचवीं बार मनाया गया है रांची में। और फ्रेंड्स यहां पर लास्ट में है 28 जुलाई। 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस यानी कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। तो हेपेटाइटिस लीवर से जुड़ी हुई एक बीमारी है और इसकी जागरूकता फैलाने के लिए हर साल विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इस बार की इसकी थीम क्या है? इन्वेस्ट इन एलिमिनेटिंग हेपेटाइटिस। इन्वेस्ट इन एलिमिनेटिंग हेपेटाइटिस। तो याद रखिएगा, हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। तो आइए एक बार हम इन सभी का रिविजन करते हैं। सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, इसकी थीम क्या थी? वीट एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, जो कि इस बार पहली बार मनाया गया और इसकी थीम क्या थी? फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। अगला है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि इंटरनेशनल योगा डे। तो इस बार की इसकी थीम क्या थी? योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन। और अगर आपसे पूछा जाए भारत में इसकी थीम क्या थी तो योगा फॉर हर्ट, इसको याद रखिएगा। अगला है विश्व हेपेटाइटिस दिवस यानी कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, इसकी थीम क्या है इस बार? इन्वेस्ट इन एलिमिनेटिंग हेपेटाइटिस। तो अब हमने इनका अच्छे से रिवीजन कर लिया है और सभी इम्पॉर्टेंट डेज और थीम को कवर कर लिया है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आपके लिए पहला क्वेश्चन है, विश्व मतदाता दिवस 2019 की थीम क्या है? यहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 3 सेकंड का समय दूंगा, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि नो वोटर्स टू बी लेफ्ट बिहाइंड। तो विश्व मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है और इस बार की थीम है नो वोटर्स टू बी लेफ्ट बिहाइंड। अगला है विश्व कैंसर दिवस 2019 की थीम क्या है? सो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि आई एम एंड आई विल। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 20 मार्च 2019 को मनाए गए विश्व गौरैया दिवस की थीम क्या थी? सो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा यानी कि आई लव स्पैरोस। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा यानी कि विश्व जल दिवस। तो हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। एक बार हम बाकी के ऑप्शंस को देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए में लिखा है विश्व पृथ्वी दिवस। तो 22 अप्रैल को हर साल विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस, ये हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। अगला है विश्व स्वास्थ्य दिवस, जो कि हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन WHO की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा यानी कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे यानी कि विश्व क्षय रोग दिवस 2019 की थीम क्या है? यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा यानी कि इट्स टाइम। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस 2019 कब मनाया गया? सो वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा यानी कि 7 अप्रैल। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस बार किसकी थीम क्या थी? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, एवरीवन एवरीवेयर, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व हीमोफीलिया दिवस 2019 कब मनाया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 17 अप्रैल। तो 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। इस बार किसकी थीम क्या थी? रीचिंग आउट द फर्स्ट स्टेप टू केयर। अगला क्वेश्चन है विश्व पृथ्वी दिवस 2019 की थीम क्या है? यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज। तो इस बार 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया और इसकी थीम क्या है? प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? सो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि 25 अप्रैल। तो 25 अप्रैल को हर साल विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इसकी इस बार थीम क्या है?
जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व अस्थमा दिवस 2019 की थीम क्या है? यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि स्टॉप फॉर अस्थमा, इसको याद रखिएगा। इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि वीट एयर पॉल्यूशन। तो हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और इस बार यानी कि वर्ष 2019 की इसकी थीम क्या है? वीट एयर पॉल्यूशन। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2019 कब मनाया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, यानी कि 7 जून। तो वर्ष 2019 में 7 जून को पहली बार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है, हमने आपको बताया था। और इस बार की इसकी थीम क्या है? फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2019 की थीम क्या है? यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन। मैंने आपको बताया था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन, और भारत में इसकी थीम है योगा फॉर हर्ट। तो आपको दोनों याद रखना है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने सभी इंपॉर्टेंट डेज और थीम को रिवीजन के माध्यम से डिस्कस किया, उसके बाद उस पर एमसीक्यूज को लगाया। तो अब वीडियो के लास्ट में मैंने आपके लिए दो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, जिनका जवाब आपको नीचे कमेंट्स में लिखकर बताना है। तो स्क्रीन पर आपके लिए पहला क्वेश्चन है, विश्व क्षय रोग दिवस 2019 की थीम क्या है? यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना राइट आंसर नीचे कमेंट्स में लिखकर बताना है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2019 कब मनाया गया? तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इन दोनों ही क्वेश्चन का राइट आंसर नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का कंप्लीट वीडियो। इसमें मैंने जनवरी से लेकर जुलाई तक जितने भी इंपॉर्टेंट डे और थीम थे उन सभी को अच्छे से डिस्कस किया। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो अपने एग्जाम से पहले इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखकर जरूर जाइएगा। तो फ्रेंड्स, अब बारी है आपकी। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर लाइक कीजिए, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप जहां भी शेयर कर सकते हैं जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी अगर आपका कोई सवाल है या फिर आपका कोई सुझाव है तो आप उसे नीचे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो YT स्टडी YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।